पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान वर्ल्ड कप 2019 का 30वां मैच 23 जून को खेला जाएगा। क्या पाकिस्तान की टीम ज्यादा मजबूत है या तो जनूबी अफ्रीका की टीम ज्यादा मजबूत है, किसका पलड़ा भारी दिखाई देता है, आप इसी वीडियो में जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी टीम आखिर ज्यादा मजबूत है। ओपनिंग बैट्समैन की बात की जाए तो पाकिस्तान की जानेब से इमामुल हक होंगे और फखर जमान होंगे, जनूबी अफ्रीका की जानेब से क्विंटन डिकॉक होंगे और साथ हाशिम आमला होंगे। इमामुल हक का कंपैरिजन डिकॉक से किया जाए तो हमें इमामुल हक कमजोर दिखाई देते हैं। इमामुल्लाह की जो एवरेज है 54 की है, स्ट्राइक रेट जो है 80 का है और डिकॉक की एवरेज 45 की है, स्ट्राइक रेट 95 का है, इसलिए ऑटोमेटिकली ये मालूम पड़ता है कि डिकॉक इमामुल्लाह से काफी बेहतर खिलाड़ी हैं। डिकॉक ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। फखर जमान और हाशिम आमला का कंपैरिजन किया जाए तो फखर जमान की जो एवरेज है 53 की है, स्ट्राइक रेट 96 का है, हाशिम आमला की एवरेज 49 की है, स्ट्राइक रेट 89 का है। स्टैट्स को देखा जाए तो फखर जमान एक बेहतर खिलाड़ी दिखाई देते हैं क्योंकि इनकी एवरेज भी हाशिम आमला से ज्यादा है, स्ट्राइक रेट भी 96 है, आमला का 89 है, स्ट्राइक रेट भी ज्यादा है, इसलिए स्टैट्स के लिहाज से अभी कहा जाएगा फखर जमान एक बेहतरीन बैट्समैन है। लेकिन अगर बाकी चीजों को भी मद्देनजर रखा जाएगा, एक्सपीरियंस को मद्देनजर रखा जाएगा, ये देखा जाएगा कि फखर जमान ने जो स्कोर किए हैं और टीम को किन टीमों के खिलाफ किए हैं, किन पिचेस पर किए हैं, फिर ये बात सामने आएगी कि कौन सा खिलाड़ी इन दोनों से बेहतर है। तजर्बा हाशिम आमला के पास बहुत ज्यादा है, बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और राइट हैंडेड भी हैं, ऊपर से डिकॉक का जो इंतखाब हो चुका है वो लेफ्ट हैंडेड है। अब लेफ्ट हैंडेड के साथ राइट हैंडेड की ओपनिंग जोड़ी बनाई जाए तो काफी खतरनाक होती है, बजाय कि इसके कि दोनों एक ही तरह के बैट्समैन हो, इसलिए हाशिम आमला का पलड़ा भारी दिखाई देता है। ज्यादा एक्सपीरियंस मौजूद है, राइट हैंडेड बैट्समैन है, लेफ्ट के साथ राइट बेहतर कॉम्बिनेशन है, एवरेज भी फखर जमान से बहुत कम नहीं, 49 की एवरेज है, स्ट्राइक रेट भी अच्छा दिखाई देता है 89 का है, इसलिए क्विंटन डिकॉक और हाशिम आमला की बोथ प्लेइंग 11 में ओपनिंग जोड़ी बनेगी। पाकिस्तान का एक भी खिलाड़ी जगह नहीं ले पाएगा, अलबत्ता तीसरे नंबर पर फखर जमान जरूर मौजूद रहेंगे। यह था ओपनिंग का कंपैरिजन, दीगर वीडियोस में बाकी कंपैरिजन भी करेंगे।